नो वे अप, ये एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है जो वीओडी पर तो रिलीज हो चुकी है और 15 मार्च को ये फिल्म लायंस गेट प्ले पर हिंदी में रिलीज कर दी जाएगी। आप वहां पर इस फिल्म को हिंदी में देख सकेंगे, लेकिन मैं इस फिल्म को देख चुका हूं और अब मैं आप लोगों से अपने इस क्विक रिव्यू के जरिए मेरा इस फिल्म को देखकर जो भी अच्छा या बुरा एक्सपीरियंस रहा है वो शेयर कर रहा हूं। तो चले बिना को टाइम वेस्ट करें बात कर लेते हैं कि मेरा इस फिल्म को देखकर एक्सपीरियंस कैसा रहा। तो पहले तो मैं आप लोगों को इस फिल्म की कहानी के बारे में थोड़ा बहुत बता देता हूं। आप इस फिल्म में देखेंगे एयरप्लेन यानी हवाई जहाज में सफर कर रहे कुछ ऐसे लोगों की कहानी जिनकी लाइफ में जिंदगी और मौत की जंग उस वक्त शुरू हो जाती है जब उनका जहाज बीच समंदर में गिर जाता है और कुछ जिंदा बच जाने वाले लोग गहरे समंदर के अंदर फंस जाते हैं और खतरनाक शार्क्स भी उनको घेर लेती हैं। तो क्या इन जिंदा बच जाने वाले लोगों में से कोई बच भी पाएगा या नहीं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस फिल्म को। अब बात करें कि मेरा एक्सपीरियंस इस फिल्म को देखकर कैसा रहा। तो देखो, जो कॉन्सेप्ट है इस फिल्म का वो बुरा नहीं है। अगर इस फिल्म को स्मार्टली लिखा और एग्जीक्यूट किया जाता तो ये फिल्म सस्पेंस, टेंशन, इंटेंसिटी, थ्रिल से भरपूर सर्वाइवल थ्रिलर बन सकती थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस फिल्म के क्रिएटर्स ऐसा करने में पूरी तरह से फेल हो गए। एक तो फिल्म में आपको काफी ज्यादा लॉजिक और बिलीवेबिलिटी के इश्यूज देखने को मिलेंगे। दूसरा, कैरेक्टर्स इस फिल्म के थोड़े भी लाइकेबल और इंटरेस्टिंग नहीं हैं। आप कैरेक्टर्स के लिए इस फिल्म में थोड़ी भी टेंशन या केयर फील नहीं कर पाएंगे। प्लस जिस खतरनाक सिचुएशन में कैरेक्टर्स फंसे होते हैं उस सिचुएशन में कैरेक्टर्स के बीच की जो कन्वर्सेशंस और इंटरेक्शंस हैं वो भी थोड़ी भी रियल और बिलीवेबल फील नहीं होती हैं। और बात सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती है, एक्टर्स की जो परफॉर्मेंसेस हैं फिल्म में वो भी काफी वीक हैं। बाकी इस फिल्म की एंडिंग भी बहुत ज्यादा प्रेडिक्टेबल है और इसके अलावा फिल्म का जो म्यूजिक और प्रोडक्शन वर्क है वो सब कुछ भी बिल्कुल एक बी ग्रेड मूवी वाला फील देता है। इन शॉर्ट, मेरी नजर में ये एक कंप्लीटली फ्लॉप फिल्म है, इसलिए मैं इस फिल्म को रेट करूंगा 5 out of 10 और आप लोगों से बस नहीं कहूंगा कि अपनी जिंदगी का कीमती वक्त आप इस फिल्म पर बिल्कुल भी वेस्ट ना करें। शुक्रिया।